सेकेंड। हाँ तो लास्ट क्लास में हमने पार्शियल फ्रैक्शन किया था। आज के लेक्चर में उसी चैप्टर का अगला टॉपिक इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कवर करेंगे। अगले दो लेक्चर में, इसके बाद के जो जो लेक्चर है, दो लेक्चर है और, तब तक ये चैप्टर पूरा कवर हो जाएगा। सैटरडे को हम इसका रिवीजन करेंगे और संडे को आपका टेस्ट है। क्लियर है ना? अच्छा इस बार टेस्ट अच्छे से देना। चैप्टर नो डाउट बहुत सारी वैरायटीज की शॉर्ट नोट्स जरूर बना लेना, क्योंकि इसमें अलग अलग वैरायटी को कैसे सॉल्व करना है वो शॉर्ट नोट बनाओगे तो ही याद रहेगा। तो उस शॉर्ट नोट्स में पूरी फॉर्मूला नोट होना चाहिए, हर वैरायटी का क्या तरीका है सॉल्व करने का, वो उसको डेली बेसिस पे रिवाइज करते रहो। और साइड बाय साइड टारगेट को कम से कम पर डे कम से कम 15 क्वेश्चन तो मुझे सॉल्व करना ही है इंटीग्रेशन के मिनिमम। तो मॉड्यूल के जो जो क्वेश्चन हैं उनको स्टार्ट कर दो, जितने टॉपिक हो चुके हैं इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन के पहले पहले, जितने भी मैंने करा दिए उनसे सबकी प्रैक्टिस करो। और ये थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन एकदम से क्लिक नहीं है। डिफरेंशिएशन तो क्या डायरेक्ट हो जाता है, पता है रूल। इंटीग्रेशन में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है और ये एकदम से इसमें स्ट्रांग होंगे नहीं। कम से कम अगले 1-2 महीने तक प्रैक्टिस करोगे तब जाके थोड़ा कंफर्टेबल फील होगा, वो प्रैक्टिस से ही होगा। तो फिलहाल अभी इस वीक टेस्ट है आपका, तो टेस्ट के बहाने जितनी अच्छे से हो सकती है उतनी अच्छे से तैयारी करो, क्योंकि अगर ये तैयारी आपने अच्छे से कर ली इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की, तो अगले जो 3 चैप्टर है जो कि हाईली इंपॉर्टेंट है, डेफिनेट इंटीग्रेशन जहां से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, एरिया अंडर कर्व वहां से 1 क्वेश्चन आएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन वहां से 1 क्वेश्चन आएगा, तो जो अगले अगले 3 चैप्टर के 5 क्वेश्चन है वो पूरे इस चैप्टर पे डिपेंड करते हैं। इस चैप्टर से डायरेक्ट क्वेश्चन आए नहीं है, लेकिन इस चैप्टर का यूज अगले 3 चैप्टर में, इसलिए इस चैप्टर को करना बहुत ज्यादा कंपलसरी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टेस्ट के बहाने अच्छे से तैयारी करो, टेस्ट में अच्छा स्कोर करने की कोशिश भी करो और अपना डाउट डिस्कशन करते रहो। अब ग्रुप में आप लोग जो भी डाउट डालो कोशिश करो इसी चैप्टर के डालो, पुराने चैप्टर अभी ना डालो। तो इनडेफिनेट ओके सर, इंटीग्रेशन से जो जो भी आपके डाउट हो आप ग्रुप पे पोस्ट करते रहो। मैं इस बार आपसे कोशिश करूंगा कि आपको टाइमली रिप्लाई कर दूं, क्योंकि मेरी बैचेस एक्चुअली ज्यादा रहती है तो बहुत सी बार रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, लेकिन अब कोशिश करूंगा। तो आपको इनडेफिनेट इंटीग्रेशन से जो जो भी डाउट हो आप पहले खुद से कम 2 या 3 बार ट्राई करना, फिर डालना। ऐसा ही नहीं कि पहली बार क्वेश्चन देखा नहीं हुआ ग्रुप में फोटो डाल दिया, उससे कभी कोई फायदा नहीं होगा। एक क्वेश्चन कम से 2 या 3 बार अटेम्प्ट करो अलग अलग स्लॉट में, फिर अगर आपसे नहीं हो तो फिर डालो, ताकि आपको क्या होगा 3 गलत मेथड आपने किए, फिर आपको जब सही मेथड पता चलेगा तो उस चीज का फायदा होता है या आपकी बेनिफिशियरी के लिए। कभी भी ऐसा कभी मत करना कि कोई क्वेश्चन देखा नहीं हुआ क्वेश्चन डाल दिया, पहले उसको अपनी तरफ से पूरा ट्राई करो 2 या 3 बार, उसके बाद भी अगर नहीं होता है तो फिर करना। हाँ देखो, रोलेज और मीन वैल्यू थ्योरम लास्ट ईयर मेन से लगभग हटा दी गई है, क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार ये थोड़ा सा टॉपिक हो जाए मुझे एक बार याद दिला देना, अभी तो नहीं आपके जो बीच में अभी स्कूल के एग्जाम्स हो के उसके बाद में, फिर कभी एक बार ये थोड़ा इंटीग्रेशन का पोर्शन फिनिश हो जाए, फिर जो भी थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पोर्शन है जो मिस आउट हुआ है वो आपको अलग से करा दूंगा। अभी ओके मेरा सर, प्रायोरिटी ये था कि भाई आपकी जो इम्पोर्टेंट है एटलीस्ट पहले वो कवर हो जाए, जो जेई सिलेबस की सबसे हाईली इम्पोर्टेंट है। तो पहले टारगेट अपना वही है कि मेंस के सिलेबस के हिसाब से जो भी हाईली इंपॉर्टेंट चीजें हम पहले प्रायोरिटी पे उनको फिनिश करेंगे, फिर जो जो भी एक्स्ट्रा चीजें उनको बीच बीच में थोड़ा थोड़ा कवर कर दूंगा। एक बार आपका जेई मेंस का फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट, फर्स्ट अटेम्प्ट एटलीस्ट अच्छे से हो जाए, सेकंड अटेम्प्ट अच्छे से हो जाए, उसके बाद हम फिर एडवांस की तैयारी भी स्टार्ट कर देंगे, लेकिन उसके लिए फिलहाल आपको कट ऑफ क्लियर करना हो। ठीक है, चलो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ये होता क्या टॉपिक इसके बारे में समझते हैं। एक सेकेंड, अब सुनना चलिए तो अच्छा, करा दिया था ना आपने। करा दिया मैंने इस क्लास में? यस सर। नो सर, नहीं ये नहीं करवाया, नहीं, ये नहीं नहीं करा इंटीग्रेशन था सर। पार्शियल सर ये नहीं हुआ, फ्रैक्शन। सिर्फ हाँ पार्शियल फ्रैक्शन रहेगा पार्शियल फ्रैक्शन इंटीग्रेशन से बाय। हुआ। हाँ बाकी दूसरे बैच में हो गया, आपके बैच में बाकी, तो बीच में एक दिन छुट्टी आ गई तो आपको छोड़ दिया। यस सर। चलो करते हैं। अब जैसे कि डिफरेंशिएशन में आपने देखा था दो फंक्शन अगर प्रोडक्ट में, तो उसका डिफरेंशिएशन करने के लिए हमने प्रोडक्ट रूल का इस्तेमाल किया था, यू डैश इंटू वी प्लस वी डैश इंटू यू। अब इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब क्या है? व्हेन टू डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन, व्हेन टू डिफरेंट टाइप
types of function are in product. एडिशन सब्ट्रैक्शन में होंगे तो कोई दिक्कत नहीं, एडिशन सब्ट्रैक्शन में तो इंटीग्रेशन अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट में इंटीग्रेशन अलग अलग नहीं कर सकते ना, है ना? ऐसा थोड़ी हो सकता है कि sin x into log x दिया तो sin x का इंटीग्रेशन अलग कर दो, log का अलग कर दो, तो ऐसे इंटीग्रेशन में दिक्कत आती है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में कोई दिक्कत नहीं आती। तो जब दो अलग अलग टाइप के फंक्शन प्रोडक्ट में अगर आ गए तब उसके इंटीग्रेशन के लिए क्या तरीका अपनाना है, वो इस टॉपिक में सिखाया जाता है। अब सुनना अच्छे से, इस टॉपिक टफ नहीं है, इस टॉपिक में डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करो और आंसर निकालो। और अच्छी बात क्या है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन भी आते हैं, तो टॉपिक कहने का मतलब है इजी है एंड स्कोरिंग है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। बाकी में तो सब्स्टिट्यूशन मेथड अब तक अपने की उसमें कहीं ना कहीं बहुत थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, क्या तरीका अपनाएं क्या नहीं करें, थोड़ी मेहनत भी लगती है, लेकिन यहाँ पे क्या है फॉर्मूला अप्लाई करो और आंसर निकालो के दो डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन है उनके प्रोडक्ट का कैसे इंटीग्रेट करना। अब सुनना ध्यान से, आपको क्वेश्चन में दो फंक्शन देंगे, दो वेराइटी ऑफ फंक्शन, एक फंक्शन है मान लो एफ एक्स, दूसरा फंक्शन है मान लो जी एक्स। अब ये दोनों फंक्शन डिफरेंट हो सकते हैं, मान लो एक लॉगरिथमिक फंक्शन, एक ट्रिग्नोमेट्रिक, एक एक्सपोनेंशियल, एक एलजेब्रिक, एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक ट्रिग्नोमेट्रिक, तो दो डिफरेंट टाइप के फंक्शन आपको दे दिए। अब इसका इंटीग्रेशन आपको करना है, इसके लिए फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला पहले डिराइव कर रहे हैं। तो आप तरीका क्या है सुनना अच्छे से, एक एक चीज को ध्यान सुनना, किसी एक फंक्शन को आप फर्स्ट फंक्शन मानोगे, दूसरे को सेकेंड फंक्शन। अब फर्स्ट किसको मानना है, सेकेंड किसको मानना, ये भी अभी मैं बताऊंगा। तो आपने एक को फर्स्ट माना तो दूसरा अपने आप सेकंड फंक्शन हो जाएगा। अब इसका डेरिवेशन करके फाइनल जो रिजल्ट आया वो रिजल्ट हमको याद रखना है, और रिजल्ट ही हर क्वेश्चन में अप्लाई करना है। इसका डेरिवेशन आप एनसीईआरटी से देख लेना, अच्छा है, डेरिवेशन सीखने को मिलेगा, लेकिन वो आप एनसीईआरटी से देखना, उसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हमको क्वेश्चन सॉल्विंग में सिर्फ रिजल्ट काम आएगा। तो इसका रिजल्ट क्या है फाइनली जो आपको अप्लाई करना है, एक फर्स्ट फंक्शन एक सेकंड फंक्शन है, तो इसका इंटीग्रेशन का फाइनल फॉर्मूला है, जिस तरह से मैं बोल रहा हूँ उसी तरह से आपको याद करना है, जो मेरी वर्डिंग है वही, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, फर्स्ट फंक्शन इंटू डीएक्स हटा रहा हूँ, वो बाय डिफॉल्ट आप समझ रहे हैं डीएक्स तो आएगी, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस होल इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। वापिस लिख लो, फर्स्ट फंक्शन याद रखना, इसको पढ़ने का तरीका हर क्वेश्चन में यही करूंगा, फर्स्ट याद कर लो फटाफट, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, माइनस होल इंटीग्रेशन, किसका इंटीग्रेशन करना है, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट वाले का मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, ये जो भी एक्सप्रेशन आएगा उसको वापस से इंटीग्रेशन करना है। ये फॉर्मूला याद करना है आपको, डायरेक्ट रिजल्ट का फॉर्मूला क्या, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। यहां तक समझ में आया सर? आपने डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट करके लिखा होगा। हां, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। हां बोलो। ओके सर, थैंक्स। हां, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। अब किसको फर्स्ट मानना है किसको सेकंड मानना है, तो देखो जनरली सेकेंड फंक्शन उसको मानते हैं जिसका इंटीग्रेशन हमें जनरली पता होता है। पहला बेसिक फंडामेंटल क्या है, सेकेंड फंक्शन उसको मानते हैं जिसका इंटीग्रेशन हमें पता है, जिसका इंटीग्रेशन हमें पता है। हिंदी इंग्लिश मिक्स करके लिख दिए, ठीक है। सेकंड फंक्शन जनरली इसको मानते हैं जिसका क्योंकि फॉर्मूले में इंटीग्रेशन सेकंड का हो रहा है और फर्स्ट का सिर्फ डिफरेंशिएशन हो रहा है, डायरेक्ट आ रहा है, तो फर्स्ट फंक्शन जनरली इसको मानेंगे जिसका इंटीग्रेशन हमें नहीं पता। ऐसा सोच लेना, वो ज्यादा अच्छा है। फर्स्ट किसको मानेंगे जिसका इंटीग्रेशन हमें नहीं पता। हाँ, इंटीग्रेशन हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। बहुत टाइम बाद हिंदी लिख रहा हूँ। आप लोगों को तो हिंदी कब तक थी, 10th तक अभी भी है? नो सर, नहीं है।
अच्छा कुछ कुछ नहीं ऑप्शनल में ली होगी, बहुत सारे बच्चे और लेते नहीं है हिंदी, बाकी हमको संस्कृत भी थी वो आगे तक तो। फर्स्ट फंक्शन इसको मानते जिसका मतलब कॉमर्स में, सॉरी सर, अच्छा हिंदी तो फर्स्ट फंक्शन उसको मानेंगे जिसका इंटीग्रेशन हमें जनरली नहीं पता, और सेकंड उसको मानेंगे जिसका इंटीग्रेशन हमें जनरली पता है। और इसका फॉर्मूला क्या है जो आपको याद करना है, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। अच्छा घबराना मत, अभी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। अब एक रूल और होता है फर्स्ट फंक्शन को मानने का, अगर आप मान लो ये सब, ये तो फंडामेंटल है। अब कभी कभी क्या होता है, दो फंक्शन ऐसे आते हैं कि दोनों का इंटीग्रेशन पता होता है, तो किसको फर्स्ट किसको सेकंड माने। जैसे एग्जांपल, अच्छा पहले तो मैं एक पहले रूल बता देता हूँ, सुनना ध्यान से। टू अज्यूम फर्स्ट फंक्शन, टू अज्यूम फर्स्ट फंक्शन वी कैन ऑल्सो यूज एक ट्रिक बना दी गई है, शॉर्ट ट्रिक, ILATE, ILATE, और ये सीक्वेंस ऐसा रहेगा फर्स्ट फंक्शन को अज्यूम करने का। ये सारे कोड वर्ड है, आई मतलब कौन से टाइप का फंक्शन होगा, आई से बोलो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, आई मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन, ए मतलब एल्जेब्रिक, एल्जेब्रिक मतलब एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स मतलब इस तरह के, टी मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक, ई मतलब एक्सपोनेंशियल। तो फर्स्ट फंक्शन को अज्यूम करने का ये भी एक तरीका है। अगर मान लो एक आई आ रहा है और टी आ रहा है, तो जो लेटर पहले आता है उसको पहले फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। एक क्वेश्चन में मान लो आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एक ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो आप इनवर्स को फर्स्ट मानोगे, ट्रिग्नोमेट्रिक को सेकंड। एक में लॉगरिथमिक और एक में एक्सपोनेंशियल है, तो लॉगरिथमिक को फर्स्ट मानोगे, एक्सपोनेंशियल को सेकंड। लॉजिक भी सही है क्योंकि इनवर्स का इंटीग्रेशन नहीं पता ना हमें, हाँ है ना। अगर मैं आपको पूछूंगा बताओ साइन इनवर्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, क्या आपको पता है, क्या बताया क्या आपके टीचर ने? यस सर। बताया क्या बताया? यस सर। बताओ साइन इनवर्स का इंटीग्रेशन। 1/√(1−x²) किस टीचर ने बताया? मजाक कर रहा हूं। डेरिवेटिव होता ना इसका। हाँ, साइन इनवर्स का इंटीग्रेशन आज तक अपन ने किया है क्या? नहीं। नो सर। साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन हमने किया था बच्चों, याद करो। इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/√(1−x²). लेकिन इसका इंटीग्रेशन, हाँ हाँ नहीं कोई बात नहीं, बहुत सी बार होती है, बहुत सारे लोगों से हो जाती है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन मिक्स हो जाते हैं। साइन इनवर्स का इंटीग्रेशन हमें नहीं पता, मैं पूछूंगा तो बता लॉग एक्स का इंटीग्रेशन पता है क्या? नो सर। नहीं सर, log x का डिफरेंशिएशन पता है? यस सर, वो होता है 1/x। लेकिन log x का इंटीग्रेशन अभी तक अपन ने किया है क्या? नो फिलहाल, अभी तक जितने भी लेक्चर पढ़े वहां तक हमने इनका इंटीग्रेशन निकाला है क्या? नहीं निकाला। तो इसलिए जानबूझ के देखो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक और लॉगरिथमिक इनके इंटीग्रेशन हमें नहीं पता, तो सीक्वेंस में इसको सबसे आगे रखा गया, इनवर्स ILATE आया ना। तो फर्स्ट फंक्शन अज्यूम करने का ये सीक्वेंस भी आप फॉलो कर सकते हो, जो लेटर पहले आ रहा है उसको फर्स्ट फंक्शन अज्यूम कर। क्लियर हो रहा है? Yes, sir. ये yes. हर जगह एप्लीकेबल नहीं होता, लेकिन जनरली बहुत सी जगह काम आ जाता है। हाँ, किसी किसी में क्या होगा कि ऐसे फंक्शन आएंगे जिसमें दोनों चीजें पता, जैसे मान लो आपको x स्क्वायर दे दिया, sin x दे दिया, ठीक है। अब लॉजिकली तो खैर x स्क्वायर को ही फर्स्ट मानोगे और sin x को, क्योंकि a पे ले आ रहा है, t बाद में आ रहा है। और वैसे भी इसको फर्स्ट इसलिए भी मान रहे हैं क्योंकि अगर मान लो मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो पावर बढ़ती जाएगी ना, तो क्वेश्चन और कॉम्प्लिकेट होगा। लेकिन इसके डिफरेंशिएशन में पावर घटेगी तो क्वेश्चन में आसान होगा, इसलिए इसको फर्स्ट मानेंगे, क्योंकि फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करते हैं, सेकंड का इंटीग्रेशन करते हैं, है ना? यस सर। तो ये जो टॉपिक है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ये हम तब यूज करते हैं जब मेरे पास दो अलग अलग टाइप के फंक्शन प्रोडक्ट में है, उसमें से भी एक को फर्स्ट मानना है एक को सेकंड मानना है। फॉर्मूला क्या है? फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ये रट लेना है। फर्स्ट किसको माना, जिसका जनरली इंटीग्रेशन पता नहीं होता है, और उसके लिए रूल भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ILATE, जो लेटर पहले आ रहा है उसको फर्स्ट फंक्शन, उसको जो बचा हो जाएगा वो सेकंड फंक्शन, फिर फॉर्मूला अप्लाई करके इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है यहां तक? यस सर। सर दोनों के डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बताओ। हाँ, दोनों के अगर इंटीग्रेशन पता था तब तो ये एक बार रूल देख लेना कौन सा ज्यादा फायदा कर रहा है, और फिर ये भी लॉजिक लगा लेना कि किसका डिफरेंशिएशन करने पे ज्यादा फायदा है, ठीक है। बाकी जनरली आपको ये रूल हेल्प कर देगा। आ रही बात समझ में?
यस सर यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं। अभी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे ना, आपको और फंडामेंटल क्लियर होंगे। इसमें एक से बहुत अच्छी अच्छी वैरायटीज आती है क्वेश्चन में, सारी वैरायटी को मैं एक करके कवर करेंगे। चलो पहली पहला क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर और ई की पावर एक्स, किसको फर्स्ट फंक्शन मानोगे किसको सेकंड मानेंगे? सर एक्स स्क्वायर को फर्स्ट और ई की पावर एक्स सेकंड। आई एल ए टी पहले ए आता है बाद में ई आता है, तो एलजेब्रिक पहले आता है एक्सपोनेंशियल बाद में आता है, हां है ना? यस सर। यस सर, तो पहले इसको फर्स्ट मान लेंगे, एलजेब्रिक मतलब इसको फर्स्ट, तो अगर ये फर्स्ट हो गया तो ये सेकंड हो जाएगा। अब डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर देना, फॉर्मूला क्या है बोलो, फॉर्मूला बताए। फर्स्ट फिर उसका सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन सेकंड माइनस फिर फर्स्ट का डेरिवेटिव, फर्स्ट का डेरिवेटिव मतलब पूरा समझो अच्छे से, देखो इंटीग्रेशन ऑफ होल इंटीग्रेशन, जैसा मैंने बोला ना इंटीग्रेशन, जैसा मैंने रटना है वैसे ही रटना है। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, क्लियर है? यस सर। यस सर, फॉर्मूला जैसे याद करवाए वैसे याद करना। अब वैल्यू रखो, फर्स्ट फंक्शन ऐसा कैसा, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। अभी तो मैं एक एक करके लिख रहा हूँ, डायरेक्ट बाद में फटाफट करूंगा। इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, क्लियर है? यस सर। अब बस वैल्यू पुट अप कर दो फाइनली, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स ही होगा माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, टू एक्स इंटू ई की पावर एक्स, क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. तो हमारे पास कहां तक आके, x square into e की power x, 2 बाहर आ जाएगा, x into e की power x. अच्छा, अब वापस से वही दिक्कत आ गई, दो अलग अलग तरह के फंक्शन आ गए, तो वापस एक बार और अप्लाई करना पड़ेगा। Yes, sir. Yes, sir. वापस इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन, ये भी तो एलजेब्रा ही है x, है ना? इंटीग्रेशन ऑफ बाई पार्ट्स एक बार और अप्लाई हो जाएगा। जी सर, वापिस आपका आंसर क्या है, x square e की पावर x, ये तो होल हो चुका है सॉल्व, माइनस टू, अब वापिस इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई होगा, वापिस से फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, क्लियर है? अब डायरेक्ट अप्लाई होगा फॉर, यस सर, एक बार सिखा दिया बस, क्लियर है? यस सर। बोलो बोलो, हमने किया, हमने किया तो दोबारा से हमने x का डिफरेंशिएट कर लिया। हां नहीं नहीं नहीं, यहां पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वापिस अप्लाई होगा, ये फार्मूला वापिस से पूरा वापिस लगा। सर ये जो फर्स्ट स्टेप था हमारा ब्लू कलर्ड वाला सर, इसमें जो माइनस डी एक्स के बाद है ई ई एक्स वाला पोर्शन सर, इस सॉरी सॉरी ऊपर वाला है सर, सर मैंने देखा नहीं, डी आई डी एक्स है ना सर, ये इंटीग्रेट हो रहा है सर, मेरे को सेकंड वाला समझ नहीं आया। हाँ मैं बता दूं, देखो फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन करना है, इसके प्रोडक्ट का, किसके प्रोडक्ट का, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इसके प्रोडक्ट को वापस इंटीग्रेट करना है। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इसका वापस इंटीग्रेट करेंगे। तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 2x आ गया, सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर x आ गया, और इसका भी इंटीग्रेशन e की पावर x आ गया, तो ये तो सॉल्व हो चुका है इधर। अब यहां पे मेरे पास बचा x * e की पावर x, तो इसको वापस से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई किया, इसको फर्स्ट माना इसको सेकंड माना, वापस इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो सेकंड का इंटीग्रेशन ये खुद वापस आ जाएगा, इनटू होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट दैट इज 1 इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड दैट इज अगेन e की पावर x, है ना? तो डायरेक्ट अप्लाई कर दिया मैंने, अब e की पावर x का इंटीग्रेशन वापस e की पावर x आ जाएगा, पूरे में से e की पावर x कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा, x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 2, क्लियर हुआ? प्लस सी। यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, आई बात समझ में? यस सर। बोलो सर, लास्ट वाला पूरा आंसर क्या आया था, ये e की पावर x कॉमन ले लिया और ये आ गया। ओके सर, अब यहां पे देखो, अच्छा e ln log e बेस, इसको क्या लिखेंगे, x ही लिख देते हैं, याद आ रहा है? यस सर। आपके पास क्वेश्चन में क्या x into sin x है, किसको फर्स्ट किसको सेकंड माने? x को फर्स्ट, sin x को सेकंड। i l a t e, तो a पहले आ रहा है, फॉर्मूला अप्लाई करो, निकालो आंसर।
after sin x minus x cos x plus c. So x cos x minus sin x. Yes, sir. Plus c. सर x cos x minus sin x plus c. अच्छा ठीक है, वेरी गुड. देखो फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ. फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड. तो फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड sin का इंटीग्रेशन माइनस cos माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट x का डिफरेंशिएशन 1 इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड sin का डिफरेंशिएशन माइनस cos. सही है? यस सर. माइनस ऑफ x cos x. ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. cos का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? sin x और एक प्लस का c. आपका ये आंसर आएगा माइनस x cos x plus sin x plus c. क्लियर है? जी सर. ओके. नेक्स्ट log x का इंटीग्रेशन करना है. अब अकेला सिर्फ log x दिया हुआ ln x. यहाँ पे तो एक ही फंक्शन है जिसका इंटीग्रेशन मुझे पता ही नहीं है, है ना? Yes. अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करने के लिए दो फंक्शन तो चाहिए. अब यहाँ पे तो एक ही फंक्शन, दूसरा फंक्शन क्या हम क्रिएट कर सकते हैं खुद से? Yes, sir. क्या क्रिएट करेंगे? Yes, sir. One, sir, one. One. हाँ, वन. किसी भी नंबर को वन से मल्टीप्लाई करने पे वन ही आता है. तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें खुद से एक वन लिख देता हूँ, क्योंकि वन तो हर जगह लिख सकता हूँ. वन मल्टीप्लाई बाय ln x तो क्वेश्चन तो वही है अभी भी. Yes, sir. सर है ना. अब देखो ln x का इंटीग्रेशन मुझे पता ही नहीं है, तो जिसका इंटीग्रेशन नहीं पता उसको तो ऑफ कोर्स फर्स्ट ही मानेंगे. यस सर. और 1 1 का इंटीग्रेशन तो पता है, इसको क्या मान लेंगे? सेकंड. अब फार्मूला अप्लाई कर दो, आंसर निकालो, तो आपको log x का इंटीग्रेशन भी आप पता चल जाएगा. तो फार्मूला ln, ln मतलब वही log x, ln x, ln x का ध्यान रखना ln x का डिफरेंशिएशन ही 1/x होता है. अगर बेस चेंज हो जाएगा तो डिफरेंशिएशन चेंज हो जाता है. ओके सर. बेस ई होना चाहिए लॉग का. अगर लॉग का बेस ए है और उसका डिफरेंशिएशन पूछा है तो क्या आता था? 1 अपॉन x इनटू 1 बाय लॉग ए, ऐसा कुछ आता था ना शायद? ठीक है, हाँ यही आता था. अगर बेस ए है तो डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 1 बाय x, 1 बाय x लॉग ए. और बेस ई पे ही डिफरेंशिएशन 1 बाय x होता है. और कभी भी आप 1 बाय x का इंटीग्रेशन करोगे तो वो लॉग x आता है. याद सर, x लॉग x. हाँ, क्या आ रहा है आंसर? x log x. x log x plus c. नहीं, वापिस एक क्रॉस चेक करो. x log x minus one. सर, x log x plus x. ओके, वेरी गुड. फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड. तो फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे. फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट into integration of second ln x. one का integration क्या हो जाएगा? x हो जाएगा. minus whole integration differentiation of first integration of second. यहाँ पे x x कट जाएगा, one बचेगा, one का integration वापस क्या आ जाएगा? x. तो यहाँ पे आ जाएगा x ln x minus x. ये आ रहा था? Yes. इसको as a result भी अब याद रख लेना, ताकि अगर याद रख सको, नहीं तो कोई बात नहीं. x ln x minus x. क्लियर है? ये log x का इंटीग्रेशन. यस सर. log x का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? x ln x minus x. x कॉमन ले लोगे तो ln x minus 1. सर, यार बैक क्या हो गया? एक मिनट, उसे एक मिनट लिख रहे हो ऐसा? यस. अच्छा, एक चीज तो ध्यान रखना, आपके नोट्स अब मैं ग्रुप में नहीं भेजता हूँ, आपके वहीं पे जो स्टूडेंट रिसोर्स शीट है वहीं पे अपलोड कर रहा हूँ, है ना? यस सर. वहीं से आप देख लिया करो. कल के भी नोट्स अपलोड हो गए, आज के भी लेक्चर के बाद हाथों हाथ अपलोड कर दूंगा, तो आपको नोट्स स्टूडेंट रिसोर्स शीट पे मिल जाएंगे. चलो नेक्स्ट सर. सेकंड क्यूब एक्स. अब इसको कैसे करें? यहाँ पे भी सिंगल एक ही फंक्शन है, तो वन से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो बिना उसके भी. एक चीज सोचो और. अब किसको फर्स्ट किसको सेकेंड मान?
secant x को first और secant square अब देखो यहाँ पे दोनों तरह के function अब दोनों ही trigonometric अब यहाँ पे logic क्या बैठेगा जिसका integration पता उसको क्या मानते थे first के second second फिर दोनों का पता लेकिन इसका integration ज़्यादा आसान है हाँ है ना yes sir एक बार इससे भी ट्राई करो और एक बार और एक और तरीका इसको सॉल्व करने का पहले इससे ट्राई करो देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है जिसका इंटीग्रेशन पता उसको सेकंड मान ले क्योंकि इसका इंटीग्रेशन थोड़ा इजी दिख रहा था फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा अब डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हूं मैं दो तीन बार बता दिया फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट सेकंड थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec x into tan x होता है यस सर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड देखो फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड किसी को अगर नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज पूछ लेना कोई भी डाउट है तो पूछ लेना अब यहाँ पे मेरे पास क्या क्रिएट हो गया सेकेंड एक्स क्रिएट हुआ और दूसरा टेन स्क्वायर क्रिएट हो गया अब कैसे सॉल्व करें पता बोलो कॉम्प्लिकेटेड नहीं नहीं कॉम्प्लिकेट एक छोटी सी स्टेप है हो जाएगा सॉल्व बताओ जब भी टेन स्क्वायर आता क्या करते हो टेन स्क्वायर को क्या लिखते हो ये तो पहले भी किया ना हमने टेन स्क्वायर को क्या लिख दोगे सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस वन लिखोगे यस सर जब भी टेन स्क्वायर आता था हमारे पास हम उसको सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस वन में कन्वर्ट कर देते थे क्योंकि सेकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन पता अब जब इसको वापस मल्टीप्लाई करोगे अंदर तो देखो ध्यान से ये हो जाएगा सेकेंड एक्स इंटू टेन एक्स माइनस देखो ये वापस जब मल्टीप्लाई होगा तो ये वापस वही फंक्शन क्रिएट होगा वापस से जो क्वेश्चन में था वापस से सेकेंड क्यूब एक्स और माइनस माइनस प्लस सेकेंड एक्स है ना यस सर समझ रहे तो जो क्वेश्चन ओरिजिनल था वो ऐसा बहुत सी बार होगा अब ऐसे केस में क्या करना इसको मान लो इसकी वैल्यू आई मान ली अपने इसी इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या मान ली आई मान ली क्योंकि वापस आई क्रिएट होना जिसको आई मान लेना जब भी सेम जो क्वेश्चन है वो का वही वापस अगर क्रिएट हो जाए ऐसे केस में क्या करना इसको आपने आई माना इसका आंसर क्या मान लिया अपने आई ध्यान सुनना यहाँ तक समझ में मान लो इसका जो भी आंसर आएगा उसको अपने आई अज्यूम कर लिया तो आई चलता जा रहा है अपन को तो निकालना आई की वैल्यू है ना यस सर तो ये वापस आई क्रिएट हो गया तो ये इसको वापस आई लिख दूंगा मैं यस सर है ना और ये आई देखो जनरली माइनस में है ये माइनस आई उधर जाके प्लस आई हो जाएगा निकालना तो मुझे आई था ना वैसे भी आई अगर आई वापस क्रिएट हो तो इससे कोई डरना नहीं है उस आई को आप उधर भेज दो तो आपको निकालना आई ही है तो आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा ट्वाइस ऑफ आई इक्वल टू क्या क्या बच गया आपके पास फॉर्मूले बताया था आपको याद रखना क्लियर है वो याद ही होना अब ये टू को उधर डिवाइड कर दोगे तो आई आ जाएगा तो फाइनली आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी वन बाय टू ऑफ दिस फंक्शन बोलो समझ में आ रहा है yes, sir. Yes, sir. तो ऐसा क्वेश्चन भी अगर आता है तो डरने का नहीं है पहले तो क्यूब था तो सेकेंड को अलग किया सेकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन पता तो उसको सेकेंड माना इसको फर्स्ट माना अलग अलग इंटीग्रेशन सॉल्व किया वापस से आई क्रिएट होगा उसको आई लिख दिया आई को उधर भेजा तो टू आई बन गया और फाइनली आई की वैल्यू आ गई है ना यस ओके ठीक है इनको इन क्वेश्चन को घर पे रिपीट वापस ट्राई कर लेना समझ में आ जाएगा एक क्वेश्चन वो करा रहा हूँ उसको भी थोड़ा सोचना करो ट्राई आप ये जो इंटीग्रेशन करना उस पर ध्यान दो बाकी चीजों पर भी ध्यान मत दो वो तो सब बात कैलकुलेशन है ये जो इंटीग्रेशन करना इस पर आप फोकस करो सोचो जरा टाइम दे रहा हूं मैं एक मिनट का
ट्राई करो, इसका इंटीग्रेशन को सोल्व करो। क्या सोचा इसके बारे में, क्या स्टेप अपनाई पहले अपने? सर सबसे पहले साइन की पावर 2022 को दोनों में डिफरेंट कर लेंगे। ये जो साइन की पावर, इसको मैं अलग अलग कर रहा हूँ। पहले नेगेटिव पावर ऊपर आके पॉजिटिव बन जाएगी, सॉरी पॉजिटिव पावर नीचे ऊपर आके नेगेटिव बन जाएगी। इस कांस्टेंट को भी साथ में अलग कर रहा हूं। देखो एक बार ध्यान से, सही लिखा है मैंने? यस सर। अच्छा सब लोग ध्यान से सुनना है ना, एक मिनट। अच्छे समझना सब लोग, है ना? सुनना ध्यान से, यहाँ तक समझ में आया? ये जो साइन की पावर था, इसको ऊपर बेच के पॉजिटिव नेगेटिव बना दिया। ये क्लियर हुआ सबको? अलग अलग कर दिया। बोलो हाँ, ये जो नीचे वाला फंक्शन था, ये दो ऊपर दोनों से डिवाइड हो रहा था, इसको सेपरेट कर दिया, इसके साथ अलग कर दिया, इसके साथ अलग कर दिया। मतलब इसके साथ अलग डिवाइड किया, इसके साथ अलग डिवाइड करके अलग अलग कर दिया। और ये जो नेगेटिव पावर और नीचे पावर 2022 से, तो ऊपर जाके माइनस 2022 हो जाएगी। नीचे पॉजिटिव, ऊपर जाके नेगेटिव पावर हो जाती है। हाँ है ना? यस सर। तो ये पहला स्टेप, ठीक है? हाँ देखो ध्यान से, तो मेरे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ था एक्चुअली में वो ऐसा था, सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 2022, और जो नीचे साइन था उसको मैंने दोनों से अलग अलग डिवाइड कर दिया। अब दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट करने का सोच रहा हूं। सॉरी, ठीक है।
यहाँ पे मेरे पास है साइन की पावर माइनस 2022 एक्स इंटू सीकेंड स्क्वायर एक्स डीएक्स और माइनस, देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, पिछले कुछ सालों से उसके पहले भी काफी सालों से जेई हमेशा एक ट्रिक खेलता है बच्चों के साथ, कैंडिडेट के साथ, क्या कि क्वेश्चन दिखने में इतना गंदा दिखाएगा कि बच्चे शक्ल देखते से छोड़ दे, बोले अपने बस की बात नहीं, लेकिन वो क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम 80% पर क्वेश्चन वो आसान होता है, लेकिन बहुत से बच्चे कॉन्फिडेंस लो होने के कारण उस क्वेश्चन को ही देख छोड़ देते हैं, अरे यार ये तो बहुत हायर पावर है, अजीब अजीब ऑपरेशन दिए, अजीब अजीब ऑप्शन दिए, मतलब बहुत टफ क्वेश्चन होगा, इसमें समय बर्बाद ना करें, और ऐसा होगा आगे भी होगा, आपके जेई मेंस में भी होगा, लेकिन आपको कभी भी क्वेश्चन की शक्ल देख के उसको छोड़ना नहीं है, ये बात मेरी हमेशा ध्यान रखना। इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आया, क्या दिमाग में लगा, ठीक है इंडेफिनिट का क्वेश्चन है, शक्ल कैसी भी हो मुझे तो एक बार अटेम्प्ट करना है, समय मेरे पास है 3 घंटे का समय, अटेम्प्ट तो जरूर करूंगा, अटेम्प्ट किया, क्वेश्चन को अलग अलग सॉल्व किया, एक कुछ स्टेप्स तक हमने सॉल्व किया, और अपने आप अंदर से आवाज आ जाएगी नहीं इसके बाद मुझे पता नहीं चल पा, फिर छोड़ देना, लेकिन स्टार्टिंग में देखते से मत छोड़ देना। इंडेफिनिट आपने क्लास में सीख रखा, आप पढ़ के आए हो, तो एटलीस्ट 2-4 स्टेप तो सॉल्व करो, फिर आपको अपने आप लग जाएगा कि होने लायक क्वेश्चन है कि नहीं है। यहां तक हम आ गए, अब सोचते हैं आगे इसमें क्या करें। अब देखो दोनों का इंटीग्रेशन है, अब इस पार्ट का इंटीग्रेशन कैसे करोगे, दोनों ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, अब एक को फर्स्ट फंक्शन एक को सेकंड फंक्शन मानना पड़ेगा। अब आप मुझे बताओ कि किसको फर्स्ट किसको सेकंड माना, सर x2 को सेकंड मानेंगे और इसका इंटीग्रेशन पता इसको सेकंड मानेंगे, इसका इंटीग्रेशन नहीं पता इसको फर्स्ट मानेंगे, यही लॉजिक सिखाया था आपको मैंने, है ना? यस सर। अगर आप पूरा लॉजिक अप्लाई करोगे ना, क्वेश्चन कितना भी डिफिकल्ट क्यों ना आपका आंसर आएगा, घबराने की बात नहीं, आपको डरना नहीं है, देखो ये सब कुछ कट पिट जाएगा, इसको फर्स्ट माना इसको सेकंड माना। अब मैं फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, ध्यान सब सुनना, सॉरी फॉर्मूला क्या था, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, सेकंड का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 10x माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, पहले पावर का होगा, डिफरेंशिएशन में तो चेन रूल अप्लाई हो जाएगा, पहले पावर आगे आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी, है ना, पावर का हो गया, अब साइन का करेंगे चेन रूल से, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा cos x, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, सेकंड का इंटीग्रेशन क्या होगा 10x होगा। यहां तक समझ में आया, और वो जो लिखा हुआ था वो ऐसा कैसा लिखा, अभी अभी उसको मैं कुछ भी नहीं छेड़ रहा हूँ, उसको बाद में देखेंगे, पहले एक हो जाए। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, तो ये देखो फर्स्ट ये तो ये हो चुका, इसको में कोई दिक्कत नहीं, तो इंटीग्रेट हो चुका है। अब ये जो बचा हुआ फंक्शन इसको ध्यान से देखते हैं, माइनस आ जाएगा बाहर तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो क्या बनेगा, 2022 बाहर, 2022 कांस्टेंट है, इसको भी बाहर निकाल सकते हो सर। यहाँ पे cos x क्यों आया, क्या हुआ cos x क्यों आया? हाँ जब इसका डिफरेंशिएशन देखो, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ, इसका डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो पहले पावर का होगा चेन रूल से, तो पावर का कर दिया, फिर साइन का डिफरेंशिएशन कॉस भी तो आएगा, ओके सर, है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। अब देखो यहां पे 10 को साइन बाय कॉस लिखो तो कॉस कॉस कट जाएगा, यस सर, 10 को क्या लिख देंगे साइन बाय कॉस, और एक कॉस से एक कॉस कट जाएगा, तो आपके पास एक साइन बच जाएगा, साइन की पावर 1 और माइनस 2023 तो बेस से में पावर एड हो जाएगी। देखो एक तो साइन की पावर 2020 यहाँ पे कॉस इंटू 10 के देखो साइन बाय कॉस, तो कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो एक साइन एक्स बच जाएगा, सही है? और जो बची हुई चीज ऐसी कैसे, अब देखो यहाँ पे बेस से में पावर ऐड होगी तो पावर कितनी बचेंगे 2022 बच जाएगी। अब देखो क्या ये और ये सेम ही तो है, चलो वापस लिख देता हूं, माइनस 2022 इनटू 10x प्लस 2022, यहाँ पे क्या बचेगा साइन एक्स की पावर 2022 बच जाएगा, आया ना, बोलो यस सर। देखो मेरी तबीयत खराब है फिर मैं चिल्ला रहा हूँ, आप लोग एटलीस्ट जवाब तो दे दिया करो, क्या देखो ध्यान से क्या ये दोनों सेम एक्सप्रेशन है कि नहीं है, यस सर।
और एक प्लस में एक माइनस डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा। देखो इसको इंटीग्रेट करना ही नहीं पड़ा, अपने आप कैंसिल हो गया, आपके पास सिंपली ये बचा सिर्फ। तो आपका इसका इंटीग्रेशन क्या गया, ये आई एक्स आपका। देखा आपने किस तरह से क्वेश्चन डिफिकल्ट दिया था, लेकिन वो वापस वही क्रिएट हो गया और अपने आप कैंसिल हो गया। इसको इंटीग्रेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि इसका जैसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई किया, यही टर्म वापस क्रिएट हो गया, वो अपने आप कैंसिल हो गया। उन्होंने बस खेला था आपके साथ, क्वेश्चन सिर्फ इतना सा ही था एक्चुअली। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में ये जो सेकंड टर्म थी, इसको वापस यहाँ पे लिख दिया माइनस के साथ, तो प्लस में क्रिएट हुई थी माइनस के साथ, अपने आप कैंसिल हो जाएगी, कैंसिल हुई, आपके पास सिंपली ये बचा आई एक्स आ गया। अब एक इसके साथ प्लस इंटीग्रेशन प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी आएगा, ठीक है। अब सी निकालने के लिए आपको एक कंडीशन दे दी है, हर बार सी निकालने के लिए कंडीशन देगी, यहाँ से सी आ जाएगा, फिर जो भी ऑप्शन है एक एक करके ऑप्शन मैच कराओगे। क्लियर हो रहा है? ऑप्शन वैल्यू रख रख के देखोगे, फिर चेक करोगे कौन सा सही आ रहा है, वो बाद की बात है। नो डाउट टाइम टेकिंग प्रोसेस 3 से 4 मिनट क्वेश्चन लेगा, लेकिन 4 नंबर देके जाएगा अगर प्रॉपरली सॉल्व किया तो। आ रही बात समझ में? यस ठीक है, यस सर। इसको घर पे वापस रिपीट ट्राई कर लेंगे। चलो एक और क्वेश्चन है आपके, दो जनरली जो कंडीशन देते हैं ना, ये तब इसलिए देते हैं ताकि आप जो कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है वो निकाल लो, है ना। फाइनली जब इंटीग्रेशन करके प्लस सी लिखोगे, प्लस सी निकालने के लिए कंडीशन देते हैं टू फाइंड सी। चलो इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, ऑब्जर्वेशन ध्यान से करो, क्या ऑब्जर्वेशन करो, देखो क्या इसके अंदर दिया, किसको टी मानने पे काम हो जाएगा, क्वेश्चन बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन ही है। अपना अपना सब सॉल्व करो, अभी कोई कुछ नहीं बोलेगा, सब ऑब्जर्वेशन करो, इस क्वेश्चन में क्या आपको दिख रहा है। दो मिनट का समय दे रहा हूं आपको, अपनी तरफ से सॉल्व करो, फिर मैं आपको पूछूंगा आपने क्या तरीका, पूरा सॉल्व नहीं करना, सिर्फ तरीका देखो आपका तरीका सही है गलत, लगाओ दिमाग क्या तरीका आएगा इसके अंदर, क्या स्टार्टिंग स्टेप्स रहेगी, सोचो।
चलो टाइम दे दिया, अब बताओ आपने इसमें क्या ऑब्जर्वेशन सोचा, क्या आपको इसमें अच्छी चीज दिखी सर? ठीक है, लेकिन और अच्छी बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन इसके अंदर क्वेश्चन में क्या ऑब्जर्वेशन दिख रहा कि क्या इसके अंदर ये जो दिया हुआ है इसमें कुछ अच्छी चीज है, बताओ सोचो थोड़ा, किसी ने सोचा हो तो बताओ। नहीं 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 एक एक करके, हाँ ये नहीं, और बताओ, हाँ और कोई कोई कुछ कह रहा था x 10x plus 1 को t put करेंगे तो उसका डिफरेंशिएट ऊपर बन जाएगा। वेरी गुड, हाँ ये ऑब्जर्वेशन था कि नीचे जो x 10x है उसका डिफरेंशिएशन ऊपर दिया हुआ है, बहुत बढ़िया है ना, यही ऑब्जर्वेशन करना था। yes. क्योंकि देखो इसका डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट रूल से आप जब करोगे u' * v + v' * u तो यहां पे ऊपर दिया हुआ है, तो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर दिया हुआ है तो किसी नीचे वाले t को t put करो ऊपर वाला dt, तो बेसिकली इस चीज का अगर सिर्फ इतना सा क्वेश्चन होता इसका इंटीग्रेशन मेरे लिए आसान है ना? Yes, क्यों आसान है? क्योंकि नीचे वाले को टी मानूंगा ऊपर वाला डीटी में चला जाएगा, तो 1/t² का इंटीग्रेशन मेरे लिए आसान है, है ना? क्योंकि देखो ऑब्जर्वेशन क्या थी बेसिकली, इसके अंदर x tan x का डिफरेंशिएशन जो है x tan x plus 1 का डिफरेंशिएशन देखो क्या आएगा, u' into v plus v' into u, ये आएगा और ये न्यूमरेटर में दिया हुआ है, तो इसलिए मेरे को इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना आसान था। अगर जिसको इंटीग्रेट करना आसान है तो उसको अपन क्या मानते हैं, फर्स्ट के सेकंड ही मानते हैं, वैसे भी लॉजिकली भी x² को मैं फर्स्ट मानूंगा, क्योंकि अगर x² को सेकंड मान लिया तो इसका इंटीग्रेट करूंगा तो पावर बढ़ती जाएगी ना, तो क्वेश्चन तो और डिफिकल्ट होगा मेरे लिए, इसकी पावर मुझे घटानी तो इसको फर्स्ट मानना पड़ेगा ताकि इसका डिफरेंशिएशन हो, और इसको सेकंड माने क्योंकि इसका इंटीग्रेशन मेरे लिए आसान, इसका इंटीग्रेशन अलग से निकाल के देख लेते ताकि डायरेक्ट फॉर्मूले में पुटअप कर देंगे। सेकंड का इंटीग्रेशन क्या होगा वो मैं यहाँ पे अलग से निकाल रहा हूँ, सेकंड के इंटीग्रेशन में नीचे x tan x plus 1 है और ऊपर क्या है x into secant square x plus 10x, नीचे वाले को पूरे को t मानोगे ऊपर वाला पूरा dt में चला जाएगा, और 1/t² का इंटीग्रेशन मतलब 1 t^-2 का इंटीग्रेशन करना है सिर्फ, वो कितना yes, +1 करोगे तो -1/t आ जाएगा, हाँ है ना? yes. Yes, sir. ठीक है, इंटीग्रेशन में +1/+1 करोगे तो -1/t इंटीग्रेशन, तो सेकंड का इंटीग्रेशन मेरे लिए आसान है, तो फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। सुनो ध्यान से, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, सेकंड का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये जो निकाला -1/t, तो -1/t t किसको माना था, किसको माना था t, हाँ इसको माना था, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, है ना, समझ में आ रहा ना, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड साइड में निकाल लिया, माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का इंटीग्रेशन -x tan x + 1, यहां तक समझ में आया? यस सर। तो जगह -x² / और ये माइनस प्लस हो जाएगा, अब इसको कैसे करें, अब ये देखो एक और क्वेश्चन आया आगे, x/x tan x + 1 इसका इंटीग्रेशन, समझ में आया ना वो क्या रहा है, ये जो फंक्शन था इसको हमने सेकंड मान लिया, इसको फर्स्ट माना, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई कर दिया, फर्स्ट फंक्शन as it is integration of second minus whole integration differentiation of first into integration of second, यहाँ तक हम आ गए। इसके बाद वापस सोच के बताओ अब क्या करें, tough नहीं है, घबराना नहीं है, एकदम बिल्कुल नहीं घबराना है, ऊपर 2x है नीचे x 10x, ऊपर क्या है 2x है नीचे क्या है x 10x plus 1, क्या करें, मैं न्यू पेज ऐड कर रहा हूं तब तक आप सोचो, कहां तक आ गए थे हम, यहां तक आ गए, -x² / x tan x + 1 यहां तक हम आ गए थे, और इसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ 2x /
एक्स टेन एक्स प्लस वन डी एक्स, क्लियर है? अब आप लॉज, अब इसमें दिमाग लगाओ क्या करें यहाँ पे, बाय पार्ट्स फिर से लगाना, ठीक है? तो किसको फर्स्ट किसको सेकंड मानेंगे? अच्छा इसका इंटीग्रेशन पता है क्या आपको अलग से, अगर इसको आप सेकंड मानने का सोच रहे हो? इसको फर्स्ट मानेंगे, एक्स को फर्स्ट और इसको सेकंड, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? टेन एक्स का होगा लॉग सेक एक्स, नहीं नहीं तो यहाँ पर एक्स टेन एक्स प्लस वन ना, तो इसको फर्स्ट मान लें। और सोचो सर, एक्स सेकंड हाँ बोलो, नहीं नहीं उससे मेरे हिसाब से होगा नहीं, मतलब अगर आप क्योंकि ये जो इसका इंटीग्रेशन अलग से करोगे कैसे, जब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा टेन दिया होता है, एक बार साइन कॉस में बदल के देखते हैं, हाँ है ना? यस सर, बहुत सी बार साइन कॉस में बदलने से काम हो जाता है, क्योंकि देखो यहाँ पे डायरेक्ट कुछ क्लिक तो नहीं कर रहा है, साइन कॉस में जब बदला एलसीएम लोगे, कॉस एक्स ऊपर चला जाएगा, ये आ गया। फिलहाल तो कुछ समझ नहीं आया था, बाईपार्ट अप्लाई करके भी देखा तो उससे भी नहीं हो रहा था अलग अलग, तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है एक बार साइन कॉस में बदल के देखा। अब सोचो अब कुछ दिख रहा है क्या, वापस दिमाग लगाओ, वापस दिमाग लगाओ, सोचो ध्यान से ऑब्जर्व करो, यहाँ पे x sin x है और ऊपर 2x cos x और 1 cos x, इसका डिफरेंशिएशन करके देखें एक बार अलग से। Yes, sir. इसको अगर मैं t मान लेता हूँ इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, देखो ध्यान से बोलो, इसका डिफरेंशिएशन करके देखो, हाँ पहले वाले में तो प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, u डैश इनटू v sin x plus x cos x plus v डैश इनटू u, और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन है ना, तो को ये प्लस साइन माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, तो x cos x dx बच गया सिर्फ। यस सर, और यही ऊपर दिया हुआ, देखो ध्यान से हो गया काम, है ना? तो इसको t मानने पे ऊपर वाला पूरा dt में जा रहा है, तो मेरे पास क्या बचेगा, 1 upon t dt, वन बाई टू, वन बाई टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग टी, और टी मतलब जिसको टी माना था वो टी हो गया, इसका काम भी। यस सर, ठीक है, तो क्वेश्चन में पेशेंस लेवल चाहिएगा कभी भी, ऑब्जर्व, ये क्वेश्चन नो डाउट टफ था, टफ कैटेगरी में आएगा ये क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे भी पहला ऑब्जर्वेशन क्या आप ही लोगों ने बताया कि सर नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर दिया हुआ, तो नीचे का डिफरेंशिएशन अगर ऊपर दिया मतलब उसका इंटीग्रेशन मेरे लिए आसान है, वैसे भी एक्स स्क्वायर को मैं फर्स्ट फंक्शन मानूंगा ताकि डिफरेंशिएशन को थोड़ा कम बने, तो उसको फर्स्ट इसको सेकंड मान लिया, इंटीग्रेशन बाय पार्ट अप्लाई किया, फिर मैं वापस अटक गया, क्यों? क्योंकि मेरे पास वापस एक्स आ गया और नीचे एक्स टेन एक्स प्लस वन आ गया, तो वापस बाय पार्ट अप्लाई करके सोचा लेकिन उससे हो नहीं रहा था, फिर लॉजिक लगाया ठीक है यार एक बार साइन कॉस में बदल के देख लेते क्या क्या पता उससे हो जाए, साइन कॉस में बदल के देखा तो उससे हो गया, है ना? क्वेश्चन सारे अच्छे हैं, आज की क्लास में जो जो भी क्वेश्चन हो रहे हैं वो घर पे सब रिपीट करने लायक है। अब अगला e की पावर x cos x, इसमें आप किसको, दोनों का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन सब कुछ पता रहता है, किसी को भी फर्स्ट किसी को भी सेकंड मान के सॉल्व कर सकते हो, कर लोगे ना? ठीक, ये सॉल्व कर लेना खुद से, इसका सॉल्यूशन भी दिया हुआ है। हाँ ये क्वेश्चन अच्छा, ये देखो ध्यान से, कॉस के अंदर दिया हुआ है ln x, तो वापस सिंगल एक ही फंक्शन है, कॉस के अंदर दिया हुआ ln x, कैसे सोचेंगे? सोचो चलो आप लोग ही सोचो, बाय पार्ट्स अप्लाई करें क्या, सब्स्टिट्यूशन करें क्या करना है, एक मिनट का समय दे रहा हूं, खुद का दिमाग लगाओ, हिट एंड ट्रायल जो जो करना करो, देखो किससे काम बन रहा है, कोशिश जरूर करना, होना नहीं होना कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश आपको करना है, करो ट्राई।
हाँ कोई को क्या बोल रहा था, हाँ कर सकते हो, वेरी गुड, कर दो, लॉग एक्स को टी मान के भी कर सकते हो, हाँ करो जो जो मन में आ रहा करने की कोशिश करो। सब लोग ट्राई करो, सर ऑप्शन बी होगा क्या? क्या आ रहा है ऑप्शन बी? देखते हैं, सतीश आपकी स्टूडेंट आईडी क्या है आपका लास्ट टाइम आपने जो नाम लिखा है सत्येंद्र कुमार लिखा है कि सतीश कुमार लिखा है? सर सतीश अटेंडेंस में आपका नाम नहीं आ रहा, आपकी अटेंडेंस काफी, आपकी स्टूडेंट आईडी बोलो एक बार। 2021 हाँ 008 हाँ 9646 आपका नाम रोहित कुमार लिखा हुआ है, आपका रोहित कुमार है कि सत्येंद्र क्या है? सर रोहित कुमार। अच्छा अच्छा ये अलग है फिर आपको, यहाँ पे किसी और आईडी से ज्वाइन करते हो? ठीक है माइक ऑफ कर लो, नॉइज़ आ रहा है। चलो सॉल्व करें आप, क्या किया बाकी बताओ बताओ। सर पहले से वन से मल्टीप्लाई करें। वन से मल्टीप्लाई करके किया? अच्छा और किसी ने क्या ट्राई किया बताओ? एक वन से मल्टीप्लाई करके आपने लगाया क्या कहते हैं वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इसके अलावा बाकी लोगों ने कोई और तरीका अपनाया हो तो एनीवन? सर टी पुट किया और एक्स को ए की पावर टी में कन्वर्ट कर दिया, उसके बाद बाय पार्ट्स लगाया। ओके टी पुट अप करके इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाया, ठीक एक तरीका, और कोई तरीका एनीवन एल्स बोलो? ठीक है दोनों दोनों से सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। अब यहाँ कॉस के अंदर लॉग था, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करने के लिए दो फंक्शन चाहिए, तो या तो आप एक फंक्शन को वन मानो फिर इंटीग्रेट करो, एक तरीका। दूसरा तरीका अगर लॉग एक्स को वन मानो, पहले मैं इसको इससे इस सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, वन इंटू दिस। अब जिसका इसका इंटीग्रेशन तो ऑफकोर्स नहीं पता, इसको फर्स्ट मानेंगे इसको सेकेंड मान लेंगे, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, कॉस लॉग कॉस ऑफ लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? पहले कॉस का हो जाएगा साइन लॉग एक्स, फिर लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा वन बाई एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड एक्स आ जाएगा, हाँ है ना, तो एक्स और एक्स कैंसिल हो जाएगा, आई इक्वल टू एक्स इंटू कॉस ऑफ लॉग एक्स। देखो मैंने कहा था क्वेश्चन साइन लॉग एक्स माइनस का नहीं आएगा? हाँ माइ हाँ कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होगा? माइनस साइन, ठीक है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्लियर है? यस सर। तो ये आ जाएगा आपके पास एक्स लॉग एक्स इनटू कॉस लॉग एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन लॉग एक्स। देखो वापिस वही इशू आ गया, क्वेश्चन में कॉस लॉग एक्स दिया तो मेरे पास वापिस इंटीग्रेशन में क्या क्रिएट हो गया? साइन लॉग एक्स। तो एक बार और अप्लाई कर देंगे बाई पार्ट्स, वापिस से इसके साथ कुछ नहीं, इसको वन मान लेंगे, इसको फर्स्ट फंक्शन इसको सेकंड फंक्शन, क्योंकि मेरे को लगता है वापस से इंटीग्रेशन ये वापस क्रिएट हो गई,
जो आप जिसको आपने आई माना है ना वो वापस क्रिएट होगा, देखना ऐसे क्वेश्चन में जनरली होता है। तो आई इक्वल टू इसको आपने आई माना, जो क्वेश्चन में इसको आई माना, एक्स कॉस ऑफ लॉग एक्स प्लस, यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई होगा, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, माइनस होल इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन वापस देखो, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा कॉस, और लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन वन बाई एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड दैट इज एक्स, एक्स एक्स कट जाएगा, देखो वापस आई क्रिएट हो गया, माइनस का आई, और ये माइनस का आई उधर जाके प्लस का आई बन जाएगा, हाँ है ना? Yes, ये मेरा आई तो है जो क्वेश्चन में दिया हुआ था, एक्स एक्स कटने के बाद सिर्फ क्या बचेगा आई, ये माइनस आई उधर जाके प्लस आई बन जाएगा, तो क्या जाएगा ट्वाइस ऑफ आई इक्वल टू एक्स कॉस लॉग एक्स प्लस एक्स साइन लॉग एक्स, टू से डिवाइड कर दो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, क्लियर हो गया? Yes, यहाँ तक समझ में आया? Yes, sir, आजा। ठीक है, अब इसको सोचो, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है सर, टी शिफ्ट करके कैसे करेंगे वो वाला क्वेश्चन, हां लॉग एक्स को टी मान के, ठीक है वो भी बता दो उससे भी, एक सेकंड ना, इसी क्वेश्चन में अगर आप ln x को टी मानते हो उससे हो रहा कि नहीं एक बार देख लेते हैं, तो ln x को अगर टी मानेंगे तो dx हटाना पड़ेगा, तो यहां पे क्या आ जाएगा x equal to e की पावर t, तो dx कितना आ जाएगा e की पावर टी डी टी, हाँ है ना? Yes, sir. तो क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, पूरे को फंक्शन को टी में कन्वर्ट कर देंगे तो हो जाएगा cos of t, और dx की जगह क्या आ जाएगा e की पावर टी डी टी, और ये तो अभी क्या करवाया था, अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व हो जाएगा, हाँ है ना? Yes, sir. तो ये e की पावर x cos x, ये तो करवाया था, तो वो तरीका भी आसान है, इससे भी आप कर सकते हो, क्लियर है? आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट आसानी से अप्लाई कर दोगे, हाँ है ना? Yes, sir. ये ज्यादा आसान है वैसे, इससे ज्यादा आसानी से, इसमें थोड़ी मेहनत लग रही थी आई वापस क्रिएट करना, यहाँ पे भी, यहाँ पे डायरेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे भी खैर वापस आई क्रिएट होगा दो बार, ये देखो x cos x का भी जब इंटीग्रेशन करोगे तो वापस आपके पास ये वापस बनेगा, उसको आई मानोगे आई उधर जाके 2i बनेगा, फाइनली आंसर ये आएगा, इसको एज अ रिजल्ट भी याद रख सकते हो, एक्चुअली क्वेश्चन कराने का रीजन यही था कि इसका अगर एज अ रिजल्ट याद रख सको, e की पावर x cos x का जो इंटीग्रेशन का फाइनल आंसर आता है वो आता है आता है e की पावर ax इंटू कॉस बी एक्स, ये या फिर अगर नहीं भी याद कर रहे हो तो चलेगा, समझ में आ रहा है? Yes. ठीक है, थोड़ा सा ये टफ है, एक बार खुद से कोशिश करो, नहीं आएगा मैं पूरा सीखूंगा, एक बार खुद से कोशिश करो बस, चलो ये मैं सिखाता हूँ, थोड़ा सा अलग वैरायटी है।
आपने यहाँ पे क्या सोचा? देखो यही क्वेश्चन अभी आया था, x sin x plus cos x, ये एक्सप्रेशन याद है पिछले क्वेश्चन में आया था, तो आप किया था ना, ये देखो x sin x plus cos x आया ना, इसको t माना था, इसका डिफरेंशिएशन क्या आया था, x cos x आया था, याद आ रहा है? यस यस सर ना, अभी जो क्वेश्चन किया था यही एक्सप्रेशन सेम वापस आया, तो ये जेई का क्वेश्चन मतलब पास किया, x sin x plus cos x इसका डिफरेंशिएशन जो होता है वो होता है क्या, x cos x होता है, आया ना? यस सर यस सर ठीक है, लेकिन ऊपर से मेरे पास क्या दिया हुआ है, सिर्फ x दिया हुआ है, cos x नहीं दिया हुआ है, प्रॉब्लम क्या है, ऊपर सिर्फ x दिया हुआ है, cos x नहीं दिया हुआ है, यहां तक समझ में आया? यस सर Yes. क्या cos x क्रिएट कर दे, अगर ऊपर नीचे cos x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, कोई दिक्कत थोड़ी है, आया ना? Yes, sir. मारा है? मैंने क्या ऑब्जर्वेशन किया, नीचे जो चीज दिया हुआ है उसका डिफरेंशिएशन ये आता है x into cos x, लेकिन क्वेश्चन में मुझे x ही दिया हुआ है, तो अगर सिर्फ x है तो cos x अगर नहीं है तो उससे हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते, एक तरीका तो ये, समझ मारा है? बोलो एक ये सोचना पड़ेगा आपको थोड़ा सा, तो x cos x क्रिएट करना पड़ेगा ऊपर, तो सुनो ध्यान से, यहाँ पे नीचे क्या होल स्क्वायर, एक तो x sin x प्लस cos x इसका डिफरेंशिएशन होता है x cos x, तो ऊपर x स्क्वायर है तो एक x को अलग कर लिया, एक x को अलग कर लिया, अब मुझे क्या चाहिए, x के साथ cos x चाहिए, हाँ है ना, तो cos x से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड और एक डिवाइड कर दिया ताकि x cos x क्रिएट हो जाए, क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है लेकिन आप मेथड सीखो धीरे 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 मेथड अपने आप समझ में आते जाएंगे, तो आपके पास दो तरह के फंक्शन क्रिएट हो गए, एक फंक्शन ये, अच्छा ये होल स्क्वायर है ना, हाँ इसको होल स्क्वायर लिख देते, और एक फंक्शन ये, दो तरह के फंक्शन क्रिएट हो गए। अच्छा ये जो रेड सर्कल बनाया इसका इंटीग्रेशन आसान है कि डिफरेंशिएशन आसान है, जो रेड कलर से बनाया, डिफरेंशिएशन, नहीं नहीं सोच के बताओ सर, डिफरेंशिएशन कहां से, डिफरेंशिएशन है इसका इंटीग्रेशन आसान होगा ना, क्योंकि नीचे वाले को टी मानोगे ऊपर वाला डीटी में चला जाएगा, हाँ है ना, अभी तो बताया था वहां पे भी, ओके सर, तो फिर यस सर क्या बताया था, इस चीज का इंटीग्रेशन आसान है ना, क्योंकि अगर इसको मैंने टी माना ऊपर वाला अपने आप डीटी में चलेगा, तो 1 बाय टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन मिले आसान है, इजी टू इंटीग्रेट, आया ना? यस जान पूछ के तो ये क्रिएट किया, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर क्रिएट किया, तब इसका इंटीग्रेशन मेरे लिए आसान है, जिसका इंटीग्रेशन आसान है उसको हम क्या मानेंगे, सेकेंड फंक्शन, और इसको क्या मान लें, फर्स्ट फंक्शन। अब एक बार आप लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट अप्लाई करो, इसके बाद करो ट्राई, ऑब्जर्वेशन अगेन क्या थी कि नीचे जो फंक्शन दिया हुआ था उसका डिफरेंशिएशन मैंने सोचा था x cos x था, डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में सिर्फ x दिया हुआ था तो cos x से मल्टीप्लाई cos x से डिवाइड कर दिया, तो x cos x अलग कर लिया और एक इसको अलग कर लिया, अब इसका इंटीग्रेशन आसान है, अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में इसको सेकंड फंक्शन मान लिया, इसको फर्स्ट फंक्शन मान लिया, करो सॉल्व, इसका इंटीग्रेशन मैं अलग से लिख रहा हूँ, सेकंड फंक्शन का जो इंटीग्रेशन होगा क्या होगा, नीचे वाले को टी मानोगे ऊपर वाला डीटी में चला जाएगा, टी की पावर माइनस टू का इंटीग्रेशन प्लस वन अपॉन प्लस वन माइनस वन बाय टी, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करो, और मुझे आप लोग चैट बॉक्स में आंसर लिख के बताओ कि एबीसीडी जो भी आंसर आ रहा है, आप सब लोग अपनी तरफ से ट्राई करो, जिस जिसका भी आंसर आए चैट बॉक्स में लिखो, देखो हो सकता है आज का सेशन थोड़ा सा टफ हो, जानबूझ के क्वेश्चन थोड़े से वैसे लिए, लेकिन ये भी जरूरी है, इनको घर पे रिपीट जब सॉल्व करोगे तो हो जाएंगे, तो डरने वाली बात नहीं है,
सर ए है आंसर डी आ रहा है ए आ रहा है यस सर ए आ रहा है ए ठीक है अगर आपने अप्लाई किया होगा उसको फर्स्ट इसको सेकंड तो ये आ रहा है माइनस एक्स सेकंड अपॉन दिस प्लस टेन एक्स प्लस सी कौन सा ऑप्शन है सॉरी ऑप्शन है करेक्ट तेरे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई कर देंगे फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रेट डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल तो अपना वो कट जाएगा सेकंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10x आ जाएगा तो देखो अगेन टफ कैटेगरी का था लेकिन यहां पे सीखने को मिल रहा है आज के क्वेश्चन जो हमने ट्राई किए यस ठीक है थोड़ा सा टफ लेकिन इनको आप एक बार देखने के बाद अगली बार अगर आपके पास आएंगे ना थोड़ा कंफर्टेबल फील होगा क्योंकि आपने एक बार वन गो थ्रू कर लिया देखो ऐसा क्वेश्चन है इसमें लॉजिक ये लगाया इसके पहले वाले क्वेश्चन में log x को t मानोगे तो भी आसानी से हो जाएगा इसके पहले वाले क्वेश्चन में नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा हुआ था अलग अलग इंटीग्रेट किया वापस आया फिर वापस इसको t माना फिर हो गया ये भी क्वेश्चन काफी अच्छा था है ना इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी अलग अलग सॉल्व किया और अपने आप चीजें कैंसिल हो गई तो दिखने में अजीब था लेकिन क्वेश्चन टफ नहीं था तो हर वेराइटी में क्वेश्चन अच्छे थे सेकेंड क्यूब में भी क्या करा सेक स्क्वायर को अलग किया सेक एक्स को अलग किया अलग अलग इंटीग्रेट आज की आज घर जाके इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की जो वो अलग से एक्सरसाइज को सॉल्व जरूर कर लेना अपने आप प्रैक्टिस हो जाएगी आ रही बात समझ में आपको कि नहीं इन क्वेश्चन को अच्छे से देखने के बाद वापस रिपीट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की मॉड्यूल में जो क्वेश्चन उनको ट्राई करोगे ना यस सर आज का टारगेट कंप्लीट हो गया अगला जो वैरायटी होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन के साथ रिलेशन वो एक अलग वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है ठीक है उसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे क्योंकि उसको मेरे को कम से कम आधा घंटा 40 मिनट चाहिएगा और आज कवर करूंगा तो आधा ही रह जाएगा तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको कवर करके अगले दो तीन लेक्चर में टॉपिक कवर हो जाएगा लेकिन आप लोग मॉड्यूल सॉल्व करते रहो डाउट्स पूछते रहो इस संडे को जितना भी हमारा कवर होगा उससे रिलेटेड टेस्ट में जो भी चीजें आए उसको अच्छे से कवर कर लेना क्लियर है सर डाउट हाँ ग्रुप्स में डाउट भेजते जाओ मैं देख लूंगा आप इंटीग्रेशन के भेजना किसी और चैप्टर के अभी इंटीग्रेशन का टेस्ट है तो इंटीग्रेशन के भेजो ठीक है इंटीग्रेशन का करा दिया उसका रिकॉर्डिंग भी मेरे हिसाब से अपलोड होगी बी जीरो मैं चेक कर लेता हूँ हाँ अपलोडेड 6 सितंबर को ही करा दिया था क्लियर है ओके सर थैंक यू सर बाय सर थैंक यू एवरीवन बाय बाय गुड नाइट टेक केयर गुड नाइट बाय सर गुड नाइट सर बाय सर